जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी शो कुमकुम भाग्य में हमने देखा कि कैसे प्रज्ञा बनी एक्ट्रेस रीति झा को अपने पति अभिषेक से प्यार हुआ और कई बार बड़ी बड़ी मुश्किलें आने पर उनसे अलग भी होना पड़ा, जिसके चलते इनके ऑन स्क्रीन प्रेम कहानी और उसके अंत की कहानी काफी बुरी रही है। लेकिन दोस्तों, आप एक्ट्रेस रीति झा की ऑन स्क्रीन लव स्टोरी और ब्रेकअप स्टोरी के बारे में तो सब अच्छे से जानते हैं, पर क्या आप इनके रियल लव और ब्रेकअप की स्टोरी जानते हैं कि इनकी जिंदगी में कौन आया और क्यों वो इन्हें गम की राह में अकेला छोड़ गया? अगर नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको इनकी रियल लाइफ लव स्टोरी और ब्रेकअप स्टोरी से ही रूबरू करवा देते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। श्रीति झा टीवी के वो मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने दम पर बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल की है, क्योंकि कुमकुम भाग्य सीरियल के थ्रू इन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है कि आज इन्हें किसी अलग पहचान की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें, कुमकुम भाग्य सीरियल में जिस तरह से इन्होंने अपने पति की प्रेमिका बनकर अपने प्यार को अंजाम दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है, पर एक समय पर इनकी ऑन स्क्रीन लव स्टोरी ब्रेकअप स्टोरी में भी तब्दील हो गई थी, जिससे दर्शकों का दिल भर आया था। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि असल जिंदगी में भी इनकी रंगीन लव स्टोरी और दर्दनाक ब्रेकअप स्टोरी है। जी हाँ, आपको बता दें, इनकी जिंदगी में सबसे पहला इंसान अगर कोई आया तो वो है अभिनेता हर्षद चोपड़ा, जिनसे इनका पहला अफेयर सौभाग्यवती भवा शो के सेट से शुरू हुआ था, जहाँ शुरुआत में ही ये उन्हें मन ही मन पसंद करती थी, क्योंकि हर्षद ने इनका काफी अच्छे से ख्याल रखा था और बहुत सपोर्ट भी किया था, इसीलिए ये उन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हर्षद भी इनसे बेशुमार प्यार करते थे और इन्हें पाने के लिए उन्होंने सबसे लड़ झगड़ कर अपनी फैमिली को भी मना लिया था, पर बाद में थोड़ी सी अनबन होने के चलते इनके सच्चे प्यार के बीच एक ऐसी दरार आई कि एक बार बिछड़ने के बाद ये दोबारा कभी नहीं मिले, जिसके चलते अपना पहला प्यार खोने के बाद श्रीति झा मन ही मन इतनी बुरी तरह से टूट गई थी कि इन्होंने दोबारा किसी की तरफ मुड़ कर नहीं देखा था, जिसके बाद इन्होंने सब कुछ भूल कर अपना फोकस करियर बनाने में लगा दिया था। लेकिन भले ही इनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, मगर आज ये अपनी दूसरी प्रेम कहानी को पूरा करने में पूरी जी जान लगा रही हैं। जी हाँ, क्योंकि ये इन दिनों अभिनेता कुणाल करण कपूर को डेट कर रही हैं और अपनी अधूरी लव लाइफ को पूरा करते हुए ये उनसे जल्द ही शादी कर अपना घर बसाने वाली हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक्ट्रेस रीति झा की लव और ब्रेकअप स्टोरी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी दमदार खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।